أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد بسم الله الرحمن الرحيم وأمر أهلك بالصلاة عزيز المحترم ناظرين الكرام ये आय करीमा सूरह ताहा की है जिससे मौजू इस्तेखराज होता है, जिसकी मिस्ताक अतम जनाब खतीजतुल कुबरा हैं। ये आय करीमा अवायल बेसत में नाजिल हुई है, जिसमें परवरदिगार की तरफ से हुक्म हुआ था कि ऐ रसूल, तुम अपने अहले खाना से कह दो, यानि जनाब खतीजतुल कुबरा से कह दो, बिस्सलात, सलात को, नमाज को बजा लाए और उस पर उस्तवार रहे। यानी इसकी मिस्ताक अतम है जनाब सैयद खतीजतुल कुबरा, जो कि आज के मौजूद के मद्देनजर रखते हुए इस आय करीमा को मैंने इंतखाब किया है। यानी वो इकदामात, वो कार्रवाइयां, वो किरदार जो जनाब खतीजतुल कुबरा ने अंजाम दिए हैं, वो कारनामे दो हैं जो कि सबसे ज्यादा बर्जस्ता हैं रसूल इस्लाम के मुताबिक। उसमें से सबसे पहला इकदाम वो है इज्तिमाई इकदाम, जो दूसरा इकदाम है वह रसूल खुदा की ज़ाती इकदामात। यानी जब एक इंसान दो जगहों पर कामयाब होता है तो उसकी सारी दुनिया और आखिरत कामयाब हो जाती है। वो सबसे पहला इकदाम और सबसे पहला वो है इज्तिमाई उमूर, यानी रसूल इस्लाम कि सबसे बड़ी हामी जनाब खतीजतुल कुबरा थी, जहां पर इज्तिमा में रसूल इस्लाम को सहारा मिला। यानी इज्तिमाई जिंदगी में जब एक इंसान को सहारा मिलता है, उसका एक हामी होता है, तो इंसान कामयाब हो जाता है। इज्तिमाई जिंदगी में सबसे पहला जब इंसान अपना तारुफ कराता है, अपने आप को मारफी कराता है, अपनी जान पहचान कराता है, तो वो मुश्किलात आती हैं अपने कमालात को पेश करने के लिए, वो सारे मसाइल आते हैं। अगर वहाँ पर अगर इंसान का कोई हामी हो और कोई इंसान के मददगार हो, तो इंसान अपने आप को पहचानवा सकता है माशरे में। जब रसूल इस्लाम ने अवायल बेअसत में अपने आप को पहचानवा चाह रहे थे, जब ये कहना चाह रहे थे कि मैं रसूल अल्लाह हूँ और मैं रसूल का नुमाइंदा, मैं परवरदिगार का नुमाइंदा हूँ और मुझको पहचानो, मैं नबी परवरदिगार है मुझको पहचानो, जब रसूल इस्लाम का ये ज़माना था, तो उस वक्त एक ऐसे ज़माने के साथ रसूल इस्लाम बरखुद फरमा रहे थे, ऐसे ज़माने के साथ वहाँ पर ज़िंदगी बसर कर रहे थे, जहाँ पर रसूल इस्लाम को कभी मजनून कहा जाता था, कभी रसूल इस्लाम को इनकार किया जाता था, कभी रसूल इस्लाम को यतीम कह के उनको धुतकार दिया जाता था। ऐसे जगह पर एक सबसे बड़ी हामी वो है जनाब खतीजतुल कुबरा, जहां पर न फकत रसूल इस्लाम के रसूल होने पर इकरार किया, बल्कि रसूल इस्लाम की वो तमाम उमूर को तस्दीक की। इसलिए कि एक आम औरत का तस्दीक करना और होता है, एक खुराइश की जो मलिका थी उन्होंने आके तस्दीक किया, जनाब खतीजतुल कुबरा ने रसूल इस्लाम को इकरार भी किया और उनकी तस्दीक भी की। ये सबसे पहला इकदाम जो इज्तिमाई इकदाम था वो जनाब खदीजतुल कुबरा का। और दूसरी मसाइल, जब इंसान अपना तारुफ कराता है, जब रसूल इस्लाम ने अपने आप को पहचानवाना चाहा, तो उस वक्त है दुश्मनों का हमला करना। उस वक्त सबसे बड़ी मुदाफे जो थी वो जनाब खतीजतुल कुबरा थी। सबसे पहले जनाब खतीजतुल कुबरा रसूल इस्लाम को, नबी परवरदिगार को तस्कीन देती थी, दिलासा देती थी, और उसके बाद रसूल इस्लाम का तमाम वो जोहलाए अरब से दिफा करती थी और उसके बाद रसूल इस्लाम को सहारा देती थी।
यानी ये जो दो इकदाम है, एक मरतबा जाके इंसान तारुफ करा रहा है और उसके बाद एक बड़ी मलाइका आके उसका तस्दीक भी करे और उसका इकरार भी करे, एक बहुत बड़ा, एक जनाब खदीजतुल कुबरा की हिमायत, और दूसरी हिमायत वो है कि जब लोगों की तरफ से जब रसूल इस्लाम को दुश्मनी अदा की जा रही थी वहां पर मुदाफे होना जनाब खदीजतुल कुबरा का। यानी ये दो इकदाम जो इज्तिमा की सूरत में जो जनाब खदीजतुल कुबरा ने की है, वो किसी शख्स ने भी रसूल इस्लाम मौलाए कायनात जिस तरह से खदीजतुल कुबरा, फातिमा ज़हरा, तमाम आइम्मा, उसी तरीके से जनाब खदीजतुल कुबरा भी मुदाफे विलायत यानी रसूल इस्लाम की मुदाफे रही। और उसके बाद दूसरा मरहला जो होता है वो जाती जिंदगी इंसान की, कि जब इंसान, जब रसूल इस्लाम, जब अवायल बेअसत में रसूल इस्लाम की हालत ये थी कि रसूल इस्लाम के पास इक्तसादी इकोनॉमिक कोई सोर्सेस नहीं थे, तो उस वक्त एक मरतबा है एक इंसान किसी इंसान को एक इक्तसादी मदद कर रहा है, वहां पर गरज रखता है, गरज ये होता है कि यही माली इमदाद मेरे घर में इस्तेमाल होगी, यही माली इमदाद मेरे लिए इस्तेमाल होगी, ये नियत होती है इंसान की। एक मरतबा है कि एक इंसान को पहले से मालूम है कि ये जो मेरी सरवत है, जो माल और दौलत है, वो खर्च कर दी जाएगी इस्लाम की राह में। इसको मालूम होते हुए, जानते हुए भी जनाब खदीजतुल कुबरा ने तमाम अमवाल अपने रसूल इस्लाम के हवाले कर दिए। यह होती है इंसान की जाती मुश्किलात। अगर जाती मुश्किलात में इंसान के अगर इक्तसादी मसाइल हल हो तो यह बहुत बड़ी बात होती है कि इंसान को कामयाब होने के लिए, रसूल इस्लाम की तबलीग को कामयाब बनाने का एक रास्ता वो जनाब खदीजतुल कुबरा थी, तो जिन्होंने तमाम अमवाल रसूल इस्लाम के हवाले कर दिए। और उसके बाद रसूल इस्लाम ने वो इकदामात अंजाम दिए, उन्होंने रसूल इस्लाम ने जनाब खदीजतुल कुबरा की दौलत लेके अपने लिए इस्तेमाल नहीं किया, खदीजतुल कुबरा के लिए इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि वो हालात से जो मुसलमान गुजर रहे थे, सबसे पहला इकदाम जो रसूल इस्लाम ने किया वो ये है कि वो गुलाम जो बर्बरियत और जो जुल्म में मुब्तला थे उनको सबसे पहले आजादी दिलाई। और दूसरा इकदाम जो रसूल इस्लाम का था वो ये कि जो लोग मक्के से मदीने आए थे उनको सबसे पहले उनको रिहाई दी और उनके अखराजात को अदा किए और उनके जो भी खर्ज थे वो उनको अदा किया रसूल इस्लाम ने। जो तीसरा सबसे बड़ा इकदाम था वो ये था कि जो गरीब और मिस्किन थे उनके लिए ऐसे वसाइल फराहम किए ताकि लोग जाके वहां पर काम कर सके और मोमिनीन और मुसलमानों की इक्तिसादी हालत अच्छी हो सके। यानी इससे यह मालूम होता है कि जनाब खदीजतुल कुबरा की सरवत और दौलत एक वाहिद जरिया है जो मुसलमान और इस्लाम को रुश्द और रमो और फूलने फलने में सबसे ज्यादा मददगार रही। ये दो सबसे बर्जस्ता इकदाम थे जो जनाब खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा की थी, वो सबसे पहले रसूल इस्लाम की इज्तिमाई मुश्किलात को बरतरफ करना, दूसरा एक ज़ाती मुश्किलात को बरतरफ करना, और तीसरा इकदाम वो ये है कि तमाम इज्तिमा के मसाइल को बरतरफ करना, इक्तिसादी मसाइल को बरतरफ करना, ये तमाम जनाब खदीजतुल कुबरा के ये बर्जस्ता कारनामे थे जो राह इस्लाम में जनाब खदीजतुल कुबरा ने अंजाम दिए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।